ମା ମାଟି ମାନୁଷର ନାରା ଦେଇ ବାମ ଦଳକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଦେଖାଇଥିଲେ ସୁନାର ବଙ୍ଗଲାର ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମମତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ସେତିକି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନେତା ବିଧାୟକ ମମତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତରେ କ'ଣ ମମତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି? ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। चुनाव आते ममता जी या पीछे मुड़कर देखना, आप अकेले खड़े रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। ममता का पाख लोक पद्म धरिबा परे दीदी को एमिति ढंग से कटाक्ष करथिले गृहमंत्री अमित शाह। राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, राथिन चक्रवर्ती, रुद्राणी घोष, गोटे दिन में टीएमसी छाड़ी पद्म धरले पांच नेता। दिल्लीर एक मिश्रण पर्व दीदी दुर्ग में आणला राजनैतिक कंपन। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस रे बेंगल भोटर को संबोधन कला बेले से दिन मोदी जनकल्याण कथा कही ममता भतीजा कल्याण को निशाना करथिले साहा। और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा प्रमुखता से दिखाई। पूर्वरु अनेक टीएमसी हेवीवेट ममता को बाय बाय करी पद्म धरिथिले। ए चित्र जनवरी 20 रो मेदिनापुर शहर रे वरिष्ठ टीएमसी नेता तथा विधायक अरिंदम भट्टाचार्य को सह 6 विधायक मिसिथिले बीजेपी रे। पूर्वरु ममता का मंत्रिमंडल रे परिवहन और जलसंपद विभाग मंत्री थिबा शुभेंदु अधिकारी भी पद्म धरिथिले। 2019 लोकसभा निर्वाचन परठारु एबे सुधा 18 रु अधिक विधायक और सांसद टीएमसी छाड़िलेनी। सेहिपरि 3 जण कांग्रेस और 3 जण सीपीआईएम विधायक भी दल छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइछन्ती। तबे प्रश्न, काहेकि दीदी हाथ छाड़ुछन्ती टीएमसी नेता? सतरे कौन भुसुड़ब कि दीदी दुर्ग? शुणु एने कौन कहउछन्ती बीजेपी और टीएमसी नेता? टीएमसी पार्टी जब गठन हुआ था बहुत बलिष्ठ नेतृत्व सपोर्ट किया था, एकदम ओरिजिन से थे। बाद में ये देखा गया कि एक हिटलरियन एटीट्यूड आ गया, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गया और सभी जो बलिष्ठ नेतृत्व है उनको हर दिन अपमान हो रहा है। ये पार्टी का अंदर में ही विरोध हुआ, पार्टी का अंदर में रिवोल्ट हुआ और एक एक करके जितना भी पार्टी में लोग था जिनका बलबूते पर पार्टी चल रहा था, असली लोग जो थे एक एक करके छोड़ रहा है। लेकिन उनको तो कोई इनकरेज नहीं किया कि आप रिजाइन कर दो, अचानक ही आ गया, हम लोग से बात नहीं किया। नहीं, आप लोग केवल पुराने क्या हुआ, कुछ लोग गए हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तबे डायमंड हार्बर विधायक दीपक हालदार और समर्थक बीजेपी मिशिबार गोटे दिन पर टीएमसी नेता गेरुआ मुहा हेबार धारा को देखी बीजेपी तार रणनीति परिवर्तन करिछि। बीजेपी को टीएमसी बी टीम हेबाकु दिया जीवनी बोली स्पष्ट करछन्ती पश्चिमबंग प्रभारी कैलाश विजयवर्गीया। जहाँ को भी सामिल करा जीवो स्थानीय नेता मत निजी कहिछन्ती कैलाश। पश्चिमबंगर ए राजनैतिक हलचल को पाखरु देखुथिबा ओडिया भोटर भी दीदी शिल्प विरोधी नीति को नहीं पूरा खपा। जो लोक मैंने चाहते किसी परिवर्तन हम सीपीएम देखा भितर से सीपीएम राज्य चलती कहते एग्रिकल्चर एवं से कहते इंडस्ट्री तो लाभटा कौन होगा यू टर्न मारिया एत वर्ष रही कि इंडस्ट्री आनी पारे अलरेडी इंडस्ट्री बंद हो तुम्हें देख कौन गोटे प्रडक्ट या सब बैंगलोर बम्बे दिल्ली ये सब लिखा मद्रास लिखा कलिकतार ना निशान ना सीपीएम शासन में मानने धीरे सुस्ते मैंने सब मान गए समझौता था दीदी हूँ माने समस्ते आम नेता एटी माने घरे घरे नेता मोदी जी आसला परे दीदी परिवर्तन हवा रही आउ दीदीटा चिड़चिड़ा भाव हो जाए रागी हवाटा। लोकसभा निर्वाचन रे बीजेपी भोट हार बढ़ी बेले ममता उपरु निज दल नेता भरोसा तुटाइबा दीदी क्यांप कंपन आनी जो नंदीग्राम दिने दीदी राजनैतिक क्यारिअर टर्निंग पॉइंट थिला से ही नंदीग्राम एबे विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु पुणी चर्चा को आसी कारण से ही नंदीग्राम रु विधानसभा आसन रे लड़ीबा पई घोषणा करछंती ममता बनर्जी।